हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में, जो कि लेटरल अर्थ प्रेशर के ही टाइप होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में, और आज हम बात करेंगे एक्टिव को और पैसिव के बारे में। ठीक है, जब हमने टाइप्स की बात की थी तो हमने सीधे सीधे ये बोला था कि जब कभी भी लेटरल अर्थ प्रेशर के टाइप्स की बात हो रही है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है उसके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू द सॉइल। ठीक है, ये जो आपकी सॉइल है। ठीक, तो जब हम बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की या फिर एक्टिव स्टेज की, तो जब कभी भी इस बैकफिल के कारण या फिर सॉइल मास के कारण जो सॉइल प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है इस सॉइल मास से क्या करेगा, इस सॉइल मास से क्या करेगा, थोड़ा सा दूर जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा दूर अगर जाता है तो इस कंडीशन में जो आपका अर्थ प्रेशर लग रहा होगा, उसको आप क्या बोलोगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। बट अगेन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो वॉल है, क्योंकि वॉल बैकफिल से इधर चली गई, अवे हो गई, तो वॉल और इस पर्टिकुलर बैकफिल के बीच में क्या हो जाएगा, एक गैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सॉइल मास हो गया और ये क्या हो गई आपकी, इस तरीके से रिटेनिंग स्ट्रक्चर या फिर रिटेनिंग वॉल हो गया, और ये सॉइल मास इस तरीके से हो गया, ये गैप हो गया। क्लियर है? तो जब हम बात कर रहे हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर में आपको कुछ भी नहीं इतना दिमाग लगाना है। सीधी सी बात है कि जब सॉइल ने एक प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद क्या देखा आपने कि ये जो वॉल है वो बैकफिल को छोड़ के कुछ दूर आ गई, उससे दूर आ गई, तो उस कंडीशन में जो लगने वाला फोर्स था वो क्या कहलाया आपका, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहलाया। जो पोर्शन बैकफिल का आपके वॉल के अलोंग मूव हुआ, उस पूरे के पूरे आप सॉइल मास को क्या नाम देते हो, फेलियर वेज का नाम देते हो। ठीक है, फेलियर वेज का नाम देते हो। जो सॉइल का रेजिस्टेंस था ड्यू टू इट्स शेयर स्ट्रेंथ, उसके शेयर स्ट्रेंथ के कारण वो डेवलप्ड कहाँ कहाँ हुआ, एक अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऑन द रप्चर सरफेस। ठीक है ना, जो कि डिक्रीज होता है प्रेशर ऑन द वॉल। क्लियर है? मतलब के जब आप एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके से आपका एक फेलियर वेज भी डेवलप होगा। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है आपका, रप्चर सरफेस को बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है आपका, रप्चर सरफेस को बता रहा है। यहाँ आप ये क्या देख रहे हो, ये शियर रेजिस्टेंस देख रहे हो। ठीक है, जबकि ये क्या है, रप्चर प्लेन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल मास आप कहाँ से देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके एंगल की बात करें तो ये क्या कितना हो जाएगा, 45 प्लस 5 बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, एक्टिव अर्थ प्रेशर। अगेन वही एलिमेंट हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, जहां पे आपका लेटरल रहेगा, जहां पे आपका वर्टिकल फोर्स रहेगा, बट इसमें एक कंडीशन होगी, जब मैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करूंगा तब वहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब आप वर्टिकल की बात करोगे या फिर आप हॉरिजेंटल की बात करोगे, तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कौन सी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, कौन सी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि हमें सोम के अंदर जो स्ट्रेस रिलेशनशिप है उसको यूज करनी पड़ेगी और उसी के बेसिस पे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वहां पे सिग्मा वन किसका रोल कर रहा होगा, सिग्मा थ्री किसका रोल कर रहा होगा, वो सिग्मा एच सिग्मा वी का हमें रेफरेंस जानना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसको कि आप डिनोट करते हो कैसे, पी ए से डिनोट करते हो, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, के ए। हरदम याद रखेंगे ये कोफिशियंट ऑफ क्या है, अर्थ प्रेशर है, किस कंडीशन में, एक्टिव अर्थ प्रेशर के कंडीशन में है। तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू गामा डॉट जेड, इस एलिमेंट की मान लीजिए आपकी डेप्थ है। ठीक है, बट जब आप पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करोगे तो पैसिव अर्थ प्रेशर के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या है, रिटेनिंग वॉल है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, और यहाँ पे जो है ये बैकफिल है, तो यहाँ पे जो आपकी वॉल है
वो क्या हो जाएगी, वो सॉइल के ऊपर ही आपके इस तरीके से मूव करेगी। एक्टिव के अंदर सॉइल से दूर जा रही है, पैसिव के अंदर सॉइल के साथ जा रही है। क्लियर है, कोई मेरे ख्याल से इसमें डाउट नहीं होगा। अब इस कंडीशन में जो भी आपका ये रप्चर प्लेन है, अगेन ये आपका क्या एक डाउनवर्ड मास बता रहा है, डाउनवर्ड मास बता रहा होगा, ठीक है ना, शेयर रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है। क्लियर है, ये आपका एक अपवर्ड मूवमेंट बता रहा है इस तरीके से। यहाँ पे जो आपका 45 प्लस 5 बाई 2 था, यहाँ पे क्या होगा एंगल 45 माइनस 5 बाय 2 होगा। क्लियर है, जबकि यहीं पे ये वाला कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 5 बाय 2। ठीक है, ये आपका कौन सा प्लेन है, रप्चर प्लेन है। क्लियर है, तो जब कभी भी आपसे बोला जाए कि मूवमेंट के बेसिस पे लेटरल अर्थ प्रेशर का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो जब आपके सॉइल मास से दूर आपकी वॉल हो जाए तो वो एक्टिव प्रेशर की कंडीशन है, जब सॉइल मास की ओर हो जाए तो वो काई की कंडीशन है, पैसिव कंडीशन है ना। और पैसिव अर्थ प्रेशर को आप काई से डिनोट करते हो, पीपी से, इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, तो आई होप मेरे को समझाने में जितना इजी था उतना ही आपको ये समझने में इजी रहा होगा। बट एक बात होती है कि लोगों के मन में एक डाउट होता है कि सर कौन सा ज्यादा होगा, पीपी की वैल्यू ज्यादा होगी या पीए की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर पी नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए तीन कंडीशन थी, एक पी नॉट था, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक एक्टिव अर्थ प्रेशर और एक पैसिव अर्थ प्रेशर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है ना। बट इसको किस तरीके से समझेंगे, इसको किस तरीके से समझेंगे, देखिए अगर हम तीनों की बात करें, ये आपका मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू शो होती है। ये आपकी पीपी को बता रहा होता है, ये आपके पीए को बता रहा होता है, और ये आपका पी नॉट को बता रहा होता है, और ये आपकी क्या है, बॉल है। ठीक है, मतलब के सबसे कम जो प्रेशर है वो कहां पे है, एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है। एक्टिव अर्थ प्रेशर से ज्यादा क्या हो रहा होता है, आपका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट हो रहा होता है, और सबसे ज्यादा किसमें हो रहा होता है, अर्थ प्रेशर एट पैसिव कंडीशन, पैसिव अर्थ प्रेशर ज्यादा होता है। वैसे भी देखने की कोशिश करिए, फिर समझने की कोशिश करिए, जब आप बात कर रहे हैं एक्टिव अर्थ मतलब लेटरल अर्थ प्रेशर मतलब सॉइल के रेफरेंस में, तो जब ये वॉल उधर चली गई मतलब कि ये प्रेशर लगाया, बट ये अगर उतना प्रेशर लगा पाता सॉइल के अंदर तो ये इधर की ओर आता, मगर ये क्या हो गया, सॉइल जितना प्रेशर एग्जर्ट किया इसने क्या किया, उसको उतने रेजिस्टेंस से बैक में नहीं दिया, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, एक्टिव अर्थ प्रेशर कम हुआ। बट जब क्या पैसिव के अंदर देखेंगे, इसने एक सॉइल अर्थ प्रेशर एग्जर्ट किया और इसने भी एक रेजिस्टेंस दिया, मतलब कि ये जितना दे रहा होगा इतना ये भी दे रहा होगा, तभी इस साइड ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे पीपी की वैल्यू ज्यादा। जबकि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब जितना प्रेशर दे रहा है वो कुछ ना कुछ अमाउंट में तो दे रहा है, तभी तो वो विदस्टैंड कर रहा है। अगर नहीं दे रहा होता तो वो क्या हो जाती, कुछ इस तरीके से हो जाती, और जब जब से अवसर ज्यादा है तो ये कैसी हो जाती, ऐसी हो जाती। ठीक है, तो जब कभी भी आप बात करेंगे कि प्रेशर इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, तो आप इस तरीके से इसको लुकेंगे, ये सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी कंडीशन होगी, फिर आपकी इसकी कंडीशन होगी। ठीक है, ठीक है, अगर स्ट्रेन के रेफरेंस में भी अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेन भी अगर पीए के टाइम पे अगर मैं बात करूं 0.2 से 0.5% होगी, जबकि यहाँ पे आपकी 22 से लेके 15% तक आपकी इसकी स्ट्रेन मानी जाती है, किसकी, पैसिव स्टेट के अंदर 2 से लेके 15%। अब ये भी कंडीशन होती है, डेंस एंड है, मतलब अगर आप बोलो 2% है तो किसकी है, वो डेंस एंड के लिए होगी, 15% तो किसके लिए होगी, लूज एंड के लिए होगी, जबकि यहीं पे 0.2 है वो भी डेंस एंड के लिए, और 0.5 किसके लिए होगी, लूज सेंड के लिए होगी। तो इस तरीके से बाइफरकेशन होता है। आई होप आप लोग को ये अर्थ प्रेशर की थ्योरी समझ में आई होगी, एक्टिव की और पैसिव की। अगर मैं स्क्रीन के अंदर एक और आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ, इस डायग्राम से आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा कि फेलियर वेज के ऑपोजिट साइड अगर वॉल का मूवमेंट हो रहा है तो वो एक्टिव, और फेलियर वेज की ओर ही मूवमेंट हो रहा तो वो क्या है, पैसिव। ठीक है, तो जो सॉइल मास जो उससे आपका जुड़ा होता है वॉल से, उसको आप क्या बोलते हो, फेलियर वेज बोलते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।